तो दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें टेक्निकल लाइफ चैनल को और उसके बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे आप हमारे ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी स्कूटी के बारे में जिसमें आपको चार पहिए देखने को मिलेंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, चार पहिए। जैसा कि आपने थंबनेल में भी जो लुक देखी होगी इसमें आपको चार पहिए दिख रहे होंगे और इस स्कूटी का जो नाम है वो है क्यूड्रो 4। आज मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ, आपको बताऊँगा क्या क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी और क्या ये इंडिया में आएगी और अगर इंडिया में आती है तो इसकी प्राइस क्या हो सकती है। आपको इस स्कूटी के बारे में पूरा जानने को मिल जाएगा इस वीडियो में। मतलब ऐसे क्लियर नहीं है कि एक स्कूटी है या बाइक है, तो आगे चलिए देखते हैं कि आखिर मतलब क्या स्पेसिफिकेशन निकल के आती है ये क्यूड्रो 4 के बारे में। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ताकि आप रोज़ाना इसी तरह के टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, गेमिंग, पीसी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सको। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से शुरू करता हूँ। मैं हूँ आनंद सिंह, ये है टेक्निकल लाइफ, आइए शुरू करें। क्यूड्रो 4 के जो लुक्स आप अपनी स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, कुछ आपको क्लिप्स देखने को मिल जाएंगी बीच बीच में, तो हम लोग चलते हैं सीधा स्पेसिफिकेशंस की तरफ। सो दोस्तों, इसमें जो आपको स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको बता दूँ, इसमें आपको 346 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिल जाएगा विद सीवीटी। इसकी 32 हॉर्स पावर है। इसका जो आरपीएम है वो है 7500। इसकी मैक्सिमम पावर मैं आपको बता दूँ तो 30 bhp है और उसका आरपीएम मैं आपको बता चुका हूँ 7500 rpm है। इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है 24.5 Nm का और 5000 rpm है। इसका जो फ्यूलिंग सिस्टम है वो है EFI। इसमें जो टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी वो है 15 लीटर्स की। इसका जो इग्निशन है वो है इलेक्ट्रॉनिक। इसमें जो आपको क्लच देखने को मिलेगा वो है ऑटोमेटिक ड्राई सेंट्रीफ्यूगल। इसमें आपको 2040 mm की डिस्क मिल जाएगी विद कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। इसमें जो आपको और फीचर देखने को मिलेंगे उसमें आपको बहुत ही ज्यादा स्टोरेज आपको सीट के नीचे देखने को मिल जाएगी। इसमें अगर आप फोन चार्ज करना चाहते हैं उसके लिए भी चार्जिंग स्लॉट मिल जाएगा, मीडिया डिवाइस के लिए स्लॉट मिल जाएगा, हाई इंटेंसिटी लाइट आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है कि इसमें एक और मॉडल आता है जिसमें आपको दो पहिए मिलते हैं, ये चार पहिए वाला मॉडल है, तो वो मेरे ख्याल से शायद है उसमें आप फ्यूल डलवा सकते हैं। ये जो स्कूटी मेरे ख्याल से जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन अभी इंटरनेट पे पढ़ी है वो पूरी ये है कि ये बताया जा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी है, तो इसके बीच में भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर मैं कुछ क्लियर होता तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन हमेशा मेरे वीडियोज़ के जरूर चेक कर लिया करो। तो अभी फिलहाल ये तो ये कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी है और इसका जो दूसरा मॉडल आता है इसमें दो पहिए हैं वो एक फ्यूल वाली स्कूटी है जिसमें आप पेट्रोल डलवा के चला सकते हैं। ये ऐसा बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक, अब इसके बारे में कुछ क्लियर है नहीं ज़्यादा और ज़्यादा कुछ स्पेसिफिकेशन अभी आई नहीं है मेरे ख्याल से। और मैं आपको बता दूं कि ये अभी इसका भी कुछ पक्का है नहीं कि ये जो क्यूड्रो 4 है ये इंडिया में लॉन्च होगी भी कि नहीं होगी, और अगर होती है तो उसके बारे में बता दूं, अगर ये इंडिया में लॉन्च होती तो इसकी प्राइस करीबन आपको 8.17 लाख के अप्रॉक्स जा सकती है। मतलब 8 लाख के करीबन आपको ये स्कूटी इंडिया मार्केट में आती है तो आपको देखने को मिलेगी। मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी कमाल का है, दिखने में भी लुक्स आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, जो आप इमेजेस और वीडियोस क्लिप देख रहे हैं वो आप देख सकते हैं काफ़ी कमाल की है। मैं इंतज़ार मतलब ये कर रहा हूँ कि ये कब इंडियन मार्केट में आती है। कई सारे लोग इसी चीज़ को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जल्दी से इंडियन मार्केट में आ जाए। तो दोस्तों ये थी कुछ स्पेसिफिकेशन, कुछ लुक्स और क्या मतलब लॉन्च डेट के बारे में क्या है और क्या प्राइस है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया है क्यूड्रो 4 के बारे में। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो क्यूड्रो 4 के ऊपर। पसंद आया हो ना तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करो, उससे मतलब थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है अगले वीडियो के लिए कि और अच्छा करूँ, तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दिया करो। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिससे मेरा काम थोड़ा सा और आसान हो जाए और भी लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी जाके नीचे एक रेड कलर का ऐसा बढ़िया सा बटन होगा उसे जाके जल्दी से प्रेस करके ग्रे कर दो, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना ताकि आप रोज़ाना मेरे टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, गेमिंग, पीसी रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देख सको। आप लोगों के लिए अगला वीडियो लेके बहुत जल्द आऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।